तो और मेरे भाइयों, कैसे हो आप लोग। आज मैं आ चुका हूँ आप सभी के बीच एक और नई वीडियो लेकर, जिसमें मैं बात करने वाला हूँ बीच में मैं आए हुए एक ऐसे न्यू सीक्रेट सेटिंग के बारे में, जिसे जानने के बाद आप बोलोगे कि काश हमें ये पहले पता चल जाता। और ये जो सेटिंग है ना गाइस, 99% BGMI प्लेयर्स को पता नहीं है। तो मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो इसी टॉपिक पर बना दूँ, ताकि आप सभी को भी ये सेटिंग के बारे में पता चल जाए, इस न्यू फीचर के बारे में पता चल जाए, और आप सभी इस न्यू फीचर का एडवांटेज ले पाए, फ़ायदा ले पाए। तो बिना टाइम वेस्ट किए आइए फटाफट से करते हैं वीडियो को स्टार्ट। एंड गाइस, जिन बंदों को भी ये सेटिंग के बारे में पहले से ही पता थी, वो एक बार कमेंट में मुझे बता देना। और जिन बंदों को ये सेटिंग के बारे में पता नहीं है, उन बंदों को मैं आज की वीडियो में ये सेटिंग के बारे में बता दूंगा, और वो बंदे अपने BGMI ID में इसको ट्राई करने के बाद यहाँ पे आकर एक कमेंट कर देना कि आपको ये फीचर कैसा लगा, ये BGMI ने सही फीचर प्रोवाइड किया है या नहीं किया है। हम जिस फीचर की बात कर रहे हैं ना दोस्तों, उसका नाम है ट्रांसपेरेंट UI मोड। मुझे पता है आप लोगों में से ज़्यादातर बंदों ने नाम पहली बार सुना होगा और आप लोगों को ये फीचर के बारे में पता नहीं होगा, लेकिन कुछ बंदे ऐसे भी होंगे जिनको ये फीचर के बारे में ऑलरेडी पता होगा। तो जिन बंदों को ये फीचर के बारे में ऑलरेडी पता है, वो इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं। तो आइए फटाफट से करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सो गाइस, आपको सबसे पहले क्या करना है, आ जाना है सेटिंग में, और सेटिंग में आने के बाद आपको क्लिक करना है कंट्रोल पे, राइट साइड में दिख रहा होगा आपको। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने दो ऑप्शन आएंगे, पहला बेसिक कंट्रोल और दूसरा एडवांस कंट्रोल। तो आपको आ जाना है एडवांस कंट्रोल में। जब आप एडवांस कंट्रोल में आओगे दोस्तों, तो आपके सामने यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आपको शो होंगे। यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा होगा दोस्तों आपको, ट्रांसपेरेंट UI मोड। यही वो सेटिंग है जिसको लेकर मैं अब तक बकचोदी कर रहा था। तो सबसे पहले मैं आपको इसकी डिटेल्स बताऊँगा, उसके बाद आपको इसके बेनिफिट्स बताऊँगा, और फिर कुछ डेमिनिट्स बताऊंगा। यहाँ पे इसका वर्किंग और अप्लाइंग मेथड दिया हुआ है। तो अब मैं आपको ले चलता हूँ सीधे गेम प्ले में, और आपको दिखाता हूँ कि इसका बेनिफिट क्या है। हम यहाँ पे आ चुके हैं लॉबी में, और लॉबी में आने के बाद अब मैं आपको समझाता हूँ कि इसको कैसे अप्लाई करना है। तो दोस्तों, ये इसको अप्लाई करने के लिए आपको जो लोगो दिख रहा होगा ऊपर BGMI का वाइट कलर में, इसको आपको टैप करके रखना है। जब आप इसको थोड़ी देर तक टैप करके रखोगे, तब जो आपके जो भी आइकन शो हो रहे थे स्क्रीन पर, वो सारे वैनिश हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे। आप देख सकते हो दोस्तों, हमारा स्क्रीन पूरा साफ हो गया, यहाँ पे एक भी आइकन शो नहीं हो रहा है। ये जो फीचर है ना गाइस, जो बंदे लाइव स्ट्रीम करते हैं, गेम प्ले का रिकॉर्डिंग करते हैं, उनके लिए बहुत ही बढ़िया है। लेकिन इसका कुछ नुकसान भी है गाइस, क्योंकि हर एक चीज़ का फ़ायदे के साथ साथ उसका नुकसान भी होता है। तो मैं आपको कुछ फ़ायदा बता दूंगा, उसके बाद आपको इसका नुकसान भी बता दूंगा। लेकिन एक बात तो है दोस्तों, जब सारे आइकन इसके वैनिश हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं, तब इसका स्क्रीन देखने में मज़ा आता है। इसका आप देख सकते हो, एक भी आइकन शो नहीं हो रहा है, यहाँ पर स्क्रीन पूरा साफ है, और कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पर रिकॉर्डिंग देखने में, ऐसा लग रहा है कोई मूवी देख रहे हैं हम लोग। तो बहुत ही बढ़िया फील आएगा आप जब ऐसे गेम प्ले करोगे, लेकिन हर कोई बंदा ऐसा गेम प्ले नहीं कर सकता। इसके लिए आपको परफेक्ट आइकन पता होना चाहिए कि कौन सा आइकन कहाँ पे, ताकि आप उसे टैप कर सको। अब मैं आपको ले आया प्ले ग्राउंड में, ताकि इसे मैं और भी अच्छे तरीके से समझा सकूँ। तो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हो, मुझे इसके आइकन्स पता है कि कौन सा आइकन मैंने कहाँ पर सेट किया हुआ है। तो इसके आइकन्स अगर मुझे नहीं भी शो होंगे, तो मैं उसे टैप करके इसको प्ले कर सकता हूँ। तो जैसा कि मैंने वीडियो का स्टार्टिंग में ही बताया था कि इस फीचर के गुड पॉइंट के साथ साथ कुछ निगेटिव पॉइंट्स भी है। सपोज़ कोई बंदा फायर कर रहा हो, या फिर आपके आजू बाजू कोई मूवमेंट कर रहा हो, तो पहले आपको उसका मैप में लोकेशन दिख जाती थी रेड कलर में, लेकिन अब तो आपका मैप गायब है, अब आप उसकी लोकेशन कैसे पता करोगे। तो ये है गाइस इसका निगेटिव पॉइंट। इसमें अगर कोई बंदा आपके आसपास आता भी है, तो आपको उसका लोकेशन पता नहीं चलेगा। हाँ, आपने अगर हेडफोन लगाया होगा, तो आप उसकी फुटस्टेप्स के साउंड से उसकी लोकेशन पता कर सकते हो, लेकिन इसके लिए साउंड सेंस की प्रैक्टिस बहुत ही बढ़िया होनी चाहिए। अब हर प्लेयर ऐसा गेम प्ले नहीं कर सकता। अगर आपको इसका बेनिफिट लेना है, तो इसके लिए आपको साउंड सेंस की प्रैक्टिस बहुत ही बढ़िया होनी चाहिए। अब यहाँ पर एक भी आइकन मेरा शो नहीं हो रहा है, अगर मेरी प्रैक्टिस नहीं होगी बढ़िया, तो मैं इसको प्ले नहीं कर पाऊँगा। मेरे लिए यह फीचर कोई भी फ़ायदे का नहीं है, एकदम यूज़लेस है। लेकिन अगर आपकी साउंड सेंस की प्रैक्टिस प्लस आपके एवरी आइकन्स की प्रैक्टिस अगर बढ़िया है, तो आपके लिए फीचर बहुत ही बढ़िया होगा। अब अगर आप अपने स्क्रीन को पहले की तरह नॉर्मल करना चाहते हो गाइस, तो इसके लिए आपको सेम प्रोसेस करनी है। ऊपर जो हमारा BGMI का लोगो है, उस पर क्लिक करके रखना है। जब आप उस पर थोड़ी देर तक टैप करके रखोगे, तो आपके जो भी आइकन्स गायब हुए थे, वो सब वापस से शो होने लगेंगे। तो ये थी गाइस आज की हमारी सिंपल सी ट्रिक। इसका बेनिफिट बहुत सारे बंदे ले रहे हैं, और कुछ बंदे ऐसे भी हैं जिनका साउंड सेंस प्रैक्टिस अच्छा ना होने के कारण वो इसका बेनिफिट नहीं ले पा रहे। तो आप इसको अपने BGMI ID में एक बार अप्लाई करना, और अप्लाई करने के बाद दोस्तों आप इसे खुद ट्राई करके देखना, और मुझे कमेंट में बताना कि आपको ये फीचर कैसा लगा।